अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। दोहरन बार अरबी दिहारती मित्रों, केम छो मजामा छो नहीं। अजय आपने कविता नंबर 11 एमा बीजो फक बीजो विभाग एनो अभ्यास करिए। कवितानुं नाम छे तमारुं फी मदही सफरी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पिल चौथी पंक्ति अल असदु लौला फिराकुल गाबी मा इफ्तरसत। अल असदु असद असद नो मीनिंग छे सिंह शेर। लौला फिराकु जो जुदो ना होत। लौला फिराक फिराक का मतलब है भाग जाना, जुदा हो जाना, छूटा हो जाना। जो जुदो ना होत। अल गाबी जंगल थी। गाबा गाबा एटले जंगल। हदीकतुनो मीनिंग बगीचो छे, अहीं गाबा छे तो गाबानो मीनिंग अमे करिए के जंगल। मा इफ तरसत तो तेने शिकार ना करियो होत। लेखक शू कहे छे अल असदु असद एटले सिंह। लौला फिराकु जो जुदो ना होत। अलगाबा जंगल थी। मा इफ तरसत तो तेने शिकार ना करियो होत। पंक्ति नो भाषांतर जुओ। सी जो जंगल थी जुदो ना होत तो तेने शिकार ना करियो होत। समझ पड़ी? जो जंगल से जब तक के शिकार शेर निकलेगा नहीं बाहर, जब तक वो शिकार नहीं कर सकता है ना, तो उसको जंगल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसी तरह इंसान के बारे में समझा रहे थे पहले तीन पंक्ति अपने देखी कल, कि इंसान जब तक अपने आप को थकाएगा नहीं वो कामयाब नहीं होगा। अगर वस्सहमु लौला फिराकुल कौसी लम यूसीबी। वस्सहमु अने तीर। लौला फिराक लौला फिराक नो मीने आगळनी पंक्तिमां छे जुदो ना होत, अहींया छे अलग ना थाय, बराबर? जुदा होना, अलग होना। अल कौसी कौस कमान थी। कौस कमान ने कहे छे, कमान जो होय एमने अरबी में कौस कहे छे। तीर साथे कमान होय ने ए कमान। लम यूसीबी तो लीधे नथी जो, अने तीर कमान थी अलग ना थाय तो विधे नथी, विधे नहीं लक्ष्य ना सोधे। यानी जब तक के तीर कमान से अलग नहीं होता है, जब तक के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी जब तक अपने लक्ष्य को वो पा नहीं सकता है, यानी तीर को कमान से अलग होना ही पड़ेगा। यानी तीर कमान से अलग होगा तो ही वो अपना शिकार, अपना लक्ष्य, अपनी जो जो उसने सोचा है ना, वो उसको हासिल हो जाएगी। आखिरी पंक्ति जुओ। सिंह जो जंगल थी जुदो ना हो तो तेने शिकार ना करियो होत। अने तीर कमान थी अलग ना थाय तो विधे नहीं लक्ष्य ना सोधे, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। आगर हमें जो इशू वश्यम्सु लव वकफत फिलफुल की दाई मतन। वश्यम्स शम्स तमें बद्धाने खबर इच्छे सूर्य सूरज। वा एटले अने। लव वकफत रोकाई रहेत। फिल फूल की आकाश में। सूरज जो है वो आकाश में ही रुखा रहता है। दाइमन इटले हमेशा।
दाईमान एटले हमेशा। पंक्तिनो भाषांतर जुओ, अने सूर्य जो हमेशा आकाश में रोकाई रहे, सूर्य जो हमेशा आकाश में रोकाई रहे। अगर लमल्लहन्ना सूफी उज्मी वो मिन अरबी, लमल्लहन्ना सु तो लोको कंटाड़ी जात, लमल्लह का मतलब है कंटाल जाना, उकता जाना, उदास हो जाना। नासु बधाने खबर इच्छे, नासु एटले लोको, मिन उजमिन बिन अरब, उजम कहते हैं अरब देश से बाहर के लोगों को, उजमुन जो अरब देश के बाहर के लोग हैं उनको भी उजमुन कहते हैं। जो अरब देश के बाहर रहने यानी जो जितने भी कंट्री है, जितने भी शहर है, उनको सबको उजम कहते हैं। अमे बधाज उजमुन छे, वमिन अरबी अने अरब, वमिन अरबिन अने अरबना लोको अरबवासीओ, बराबर। जो लमल्लहन्नासु तो लोको कंटाड़ी जात, मिन उजमिन बिन अरब यानी अरब से बाहर के रहने वाले लोग, अरब से बाहर की कंट्रीज, वो मिन अरबिन अने अरब, अने अरब का जो देश है वो। हम लोग भी किस चीज़ में आते हैं, उजमुन में आते हैं, हमें भी उजमुन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर की कंट्री वाले हैं, है ना, अरब देश से बाहर की कंट्री वाले। इसके लिए जो अपन तीनों भाषांतर, तो अरब तथा बिन अरब लोको कंटाड़ी जात, तो अरब अने बिन अरब लोको कंटाड़ी जात। आखी पंक्तिनो भाषांतर जुओ, अने सूर्य जो हमेशा आकाश में रोकाई रहे, तो अरब तथा बिन अरब लोको कंटाड़ी जात। अगर सूरज आकाश में यानी आसमान में ही रहता था, अगर वो वहीं रहता था हमेशा, तो हम लोग क्या हो जाते थे, कंटाल जाते थे, है ना, रात होती ही नहीं थी। इसके लिए अल्लाह ने सूरज को क्या किया है, गर्दिश वाला बनाया है कि वो दिन के बाद दिन होती है, तो उसके बाद वो रात वो डूब जाता है और रात आ जाती है, है ना। अगर वो पूरा आखी हमारी आखी ज़िंदगी अगर वो आकाश में ही रहता, तो हम क्या हो जाते, कंटाल जाते, कभी रात ही नहीं आती। हदीस में ना, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि सूरज रोज़ रात को अल्लाह को सलाम करने जाता है, अल्लाह के अर्श के नीचे डूब जाता है। हमको लगता है कि सूरज पहाड़ों के पीछे डूब जाता है, पर रोज़ रात को सूरज अल्लाह के अर्श के नीचे डूब जाता है, अल्लाह को सलाम करता है और इजाज़त लेता है। किस चीज़ की, कि अल्लाह मैं मगरिब से निकलूँ, है ना, मैं पश्चिम से निकलूँ। पश्चिम से निकलने की इजाज़त क्यों लेता है, क्योंकि जब तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे तो सूरज पश्चिम से निकलेगा और बीच आसमान तक रहेगा। जैसे दोपहर का वक्त होता है, उस वक्त तक वहाँ तक बीच में रहेगा और फिर वापस डूब जाएगा। जैसे ही वो डूबेगा, वैसे ही हदीस में आता है कि कयामत आ जाएगी, यानी तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए सूरज क्या होता है, रोज़ अल्लाह से इजाज़त लेता है निकलने के लिए, कि अल्लाह किधर से निकलूँ मैं, पूरब से निकलूँ कि पश्चिम से निकलूँ। समझ गया इतनी पंक्ति, हम आगे देखते हैं। वत्तिबरु कत्तुर्बी मुल्कन फी अमानी की ही, वत्तिबरु अने टुकड़ो, तिब्र कहते हैं टुकड़े को, वत्तिबरु अने टुकड़ो, कत्तुर्बी माटी जेवू छे, मुल्कन पड़ेलो रहे, फी अमाकिनी ही पोतानी जग्याए जे। पंती जुओ तो हमज पड़ी, जैसे बद्धा ने अय्या सोनानो टुकड़ो, टुकड़ो थी मुराद छे सोनानो टुकड़ो, माटी जेवू छे जो ते पोतानी जग्याए पड़ेलो रहे, बराबर।
जब सोना ज़मीन के नीचे होता है तो वो मिट्टी के जैसा ही होता है, उसको बाहर निकालते हैं तो वो सोना दिखता है कि ये सोना है, पर अगर वो ज़मीन के नीचे है तो क्या है, मिट्टी के जैसा ही है। इसी तरह इंसान को भी खुद मेहनत करनी होगी, नहीं तो वो क्या है, एक मिट्टी का ढेर ही है, मिट्टी जैसा ही है। वो जब तक के मेहनत करके बाहर नहीं आएगा, जब तक मेहनत करके वो बाहर अपने आप को नहीं तराशेगा, वो सोना नहीं बन सकता है। इंसान को भी अपने आप पे बहुत इसी तरह मेहनत करनी है। वल ऊदू फी अर्ज़ी नव उन मिनल हतबी, आगर लेखक कहे छे वल ऊदू अने सुगंधनी लाकड़ी फी अर्ज़ी पोतानी भूमि मा नव उन एक मिनल हतबी, लाकड़ी ज रहे छे, सुगंधनी लाकड़ी होय ने जेम के अपने इत्र परफ्यूम लगाए एवी ज रीते एक लाकड़ी होय जेने सुगंधनी लाकड़ी चंदननी लाकड़ी होय है ने, चंदननी लाकड़ी जे होय एमां सुगंध आवे छे, तो सुगंधनी लाकड़ी ए तो जुदी जुदी लाकड़िया होय जेमां झाड़ होय जेमां खुशबू आवे छे, तो अहीं तो सुगंधनी लाकड़ीनी वात चाले छे के सुगंधनी लाकड़ी अने सुगंधनी लाकड़ी पोतानी भूमि में एक लाकड़ी ज रहे छे, पोतानी भूमि में अथवा पोतानी जग्या में जे जग्या ऊपर छे जे झाड़ ऊपर छे तो ये लकड़ी है, झाड़ के ऊपर है तो लकड़ी ही है, जब हम उसको तोड़ेंगे जब वो क्या बनेगी, सुगंध की लकड़ी बनेगी। आखी पंक्ति नो भाषांतर जुओ, सोना नो टुकड़ो माटी जेवू छे जो ते पोतानी जग्याए ज पड़ेलो रहे, अने सुगंधनी लाकड़ी पोतानी भूमि मा एक लाकड़ी ज रहे छे। समझ पड़ी बधाने, हैने शू कहे छे के सोना हो जमीन के नीचे हो तो लकड़ी ही सोना ही नहीं दिखेगा, मिट्टी दिखेगी, और लकड़ी जब तक अपने झाड़ से जुदा नहीं होगी जब तक के वो झाड़ के ऊपर एक लकड़ी ही रहेगी। इसी तरह इंसान को भी खूब मेहनत करनी है आमाल के अंदर, अखलाक के अंदर, है ना, खुद के आमाल के अंदर, खुद के अखलाक के अंदर, और अपने आप को बनाना है। फ़ैन तगर्रबा हाजा अज़ा मतलुबुहु, फ़ैन तगर्रबा जो ते पोतानो स्थान छोड़े, पोतानी जग्या छोड़े, हाजा अज़ा मतलबुहु तो तेनी प्राप्ति दुर्लभ बने, प्राप्त यानी ऊंचा स्थान मळे, जो ते पोतानो स्थान छोड़े तो तेनी प्राप्ति दुर्लभ बने। वइन तगर्रबा जाका अज़ा कज़हबी, वइन तगर्रबा अने जो ते पोतानो स्थान छोड़े जाता गज़ा जेवी मूल्यवान बने, कज़हबी तो ते सोना जो अने जो ते पोतानो स्थान छोड़े तो ते सोना जेवी मूल्यवान बने। बराबर आखी पंक्ति जुओ, जो ते पोतानो स्थान छोड़े, पोतानी जग्या छोड़े तो तेनी प्राप्ति दुर्लभ बने, अने जो ते पोतानो स्थान छोड़े तो ते सोना जेवी मूल्यवान बने। जब तक अपनी जग्या छोड़ेगा नहीं, यानी जब तक वो कंटिन्यू मेहनत नहीं करेगा, जब तक उसको वो मूल्यवान नहीं बन सकता है। जो यहाँ पर कविता तुम्हारी पूरी हो रही है, और यह आखी कविता तुम्हारे इंसान के प्राप्ति के लिए ही है कि इंसान कैसे मेहनत कर सकता है, समझाया है लेखक ने। जज़ाकअल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम।